जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक सिंह, फिर से आपके लिए एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ लेके आ गया हूँ। आज का इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं, हम लोग आज विस्तार से इस विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर काला सरसों और पीला सरसों में अंतर क्या है। जब हम एक बिजनेस खोलते हैं तो हमें उस समय काली सरसों या पीली सरसों, कौन सा सरसों को पेर कर ऑयल को बेचना चाहिए, इस विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे। और साथ में चर्चा करेंगे आखिर भैया तेल किस में ज़्यादा आता है, काली सरसों में या पीली सरसों में। आज विस्तार से हम लोग पीला और काला के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी। भैया चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना करें, आप वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिए। मैं देखता हूँ अधिकतर लोग वीडियो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। भैया लाइक करके जाइए, हमें भी मेहनत लगता है। आप आते हैं दोस्तों, अपना काम निकलता है, आप चले जाते हैं, भैया हमारा काम भी कुछ करके जाइए, वीडियो को लाइक करके दे ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि काला और पीला सरसों में तेल सबसे ज़्यादा किस में आता है। एक बात दोस्तों अब निश्चित रूप से मान लो कि काला या पीला सरसों में सबसे ज़्यादा तेल पीला सरसों में आता है। इसका एकमात्र जो कि प्रमुख कारण है, आप समझ जाइएगा, साधारण भाषा में आपको बताता हूँ। पीला सरसों जहाँ पे आप अगर मान लो पैदा करोगे तो कम पैदा होता है, काला सरसों पैदा ज़्यादा होता है, इसलिए पीला सरसों में तेल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। 45 से 50% तेल आता है पीला सरसों में, वहीं काला सरसों में 33% ही तेल आता है, 33 से 35%। अगर आप 3 kg सरसों की पेराई करेंगे काली सरसों की, तो आपका तेल आएगा मात्र 1 kg। वहीं आपका 2.5 kg सरसों में ही 1 kg तेल आ जाएगा पीला सरसों में। जहां आपको 1 kg तेल निकालने के लिए 3 kg सरसों लग रहा है काली वाली, वहीं पे आपको 1 kg तेल निकालने के लिए मात्र 2.5 kg सरसों की जरूरत पड़ेगी पीला वाली की। तो दोस्तों पीला में तेल ज़्यादा होता है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या बिजनेस करने के लिए काला या पीला कौन सा सरसों की पिराई करना चाहिए। आप एक बात दोस्तों गांठ बांध देना, जब भी आप बिजनेस करोगे एक्सपेलर का या तेल का, तेल आपको अगर बोतल में या पैक करना है या 5 लीटर जार टीना में, जब भी आपको फिल्टरिंग का काम करना है तो कभी भी पीला सरसों खरीद के पैक मत करना। पीला सरसों का तेल आप बेच नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, कस्टमर कभी भी नहीं खरीदेंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, लाइक पतंजलि हो गया, सलोनी हो गया, कृष्णा हो गया, जितनी भी कंपनियां हैं सभी काला सरसों का ही पिराई करके उसे ऑयल को पैक करती है बोतल में, टीना में, जार में, तब जाके सप्लाई होता है। अगर पीला वाला दोस्तों कुछ प्रमुख जगह ही यूज होता है, जैसे कि दोस्तों इमरजेंसी में, अगर मान लीजिए आपके घर दोस्तों बच्चा नया जन्म लिया है तो वहाँ पर बच्चा को तेल लगाने के लिए पीला सरसों का मदद लिया जाता है, क्योंकि पीला सरसों का तेल हल्का होता है जो कि बच्चों के शरीर में आराम से काम करता है। काम दोस्तों काला वाला भी करेगा लेकिन पीला वाला हल्का सा ज़्यादा काम करता है। तो पीला वाला दोस्तों आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज का दोस्तों मार्केट है, आप समझ के चलो कि मार्केट में जितना सस्ता हो, चाहे आपका कबाड़ी तेल ही क्यों ना हो, भैया आदमी को सस्ता चाहिए, आदमी की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास दोस्तों कितना लोग आते हैं, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि 200 लीटर तेल है, अगला मिल अगर मान लीजिए 2 नंबर तेल साला 180 लीटर बेच रहा है तो आदमी जाके वहीं पे खरीदेगा। अगर पाउच वाला आपको 140 लीटर दे रहा है, भले वो 2 नंबर पॉम ऑयल मिक्सिंग, मगर लोगों को कोई मतलब नहीं है। कुछ समझदार लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं ऑफिसर ग्रेड के, वही दोस्तों 1 नंबर तेल खाते हैं 40 से 50 रुपये ज़्यादा पे करके, मगर अधिकतर लोग सस्ता तेल ही खाते हैं। आप पीला वाला सरसों को खरीद के पेर कर पाई करके कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाओगे, मैं लिख के देता हूँ। आप लाइफ में तेल पे के मर जाओगे लेकिन कभी भी बोतल में पीला सरसों पैक करके बेच नहीं पाओगे, कभी भी आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। उस समय आपको काली सरसों ही पेर के बेचना पड़ेगा, क्योंकि जितना सस्ता उतना ज़्यादा सेल। आप एक बात दोस्तों गांठ बांधना, मेरी बात आपको जरूर समझ में आएगी, आगे जब दरअसल जब बिजनेस को करोगे तब पता चलेगा, जितना सस्ता रहेगा उतना ही सबसे ज़्यादा आपका बिकेगा। आजकल के डेट में भैया कस्टमर किसी का नहीं है, कस्टमर अपने बाप का नहीं है, कस्टमर को जहाँ पे सस्ता मिलेगा वहीं पे कस्टमर जाता है। तो दोस्तों बात यही थी कि ज़्यादा तेल पीला में आता है लेकिन पीला को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, आप समझ ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।